माता मेरी ए जगते नूर कर दे माता मेरी। अभी तक तो बहुत ज्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा जी, स्पेशली ऐसे गाइड है हमारे साथ जो इस फील्ड में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो गाइज ये है पूरे कटरा नगर का व्यू रात्रि का, जगमगा रहा। 10 घंटे मैं 6 बजे चला था। सल्यूट है आपको, सल्यूट है आपके जज्बे को और माता रानी का। जो मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसी शक्ति नहीं किसी को दे सकती है माता रानी। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इंस्पिरेशन मिलती है लोगों से। आज मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ सोमराज। ये आ गई पहली तस्वीर माता वैष्णो देवी के दरबार। जैसे जैसे माता रानी के दरबार की ओर कदम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो ठंड का एहसास है बहुत ज्यादा होता है। फाइनली माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची है। सामने आप लोग देख सकते हैं ये कुछ मिनट का रास्ता भी बचा हुआ। जय माता दी साथियों, इस समय मैं कटरा में हूं अपने रूम में और आज जा रहा हूं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने। रात के लगभग 10 बज चुके हैं, RFT कार्ड मैंने ले लिया है। बस चलते हैं अब बाणगंगा और उसके बाद फिर मेरी यात्रा जो है माता वैष्णो देवी की शुरू हो जाएगी। जय माता। जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस आज की मैं यात्रा कर रहा हूँ माता वैष्णो देवी के दरबार की और मेरे साथ हैं विद्या जी। हमने जो अपना सफर है वो लगभग 4 किलोमीटर तय कर लिया गया है और मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि पहली यात्रा है विद्या जी, कैसा लग रहा है आपको माता वैष्णो देवी में आकर? थोड़ा सा अभी तक तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा जी, स्पेशली ऐसे गाइड है हमारे साथ जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज है जी, और मुझे लगता है इनसे बेस्ट कोई और हो नहीं सकता। आपने लगभग मेरे साथ जो है 2-2.5 घंटे ट्रैकिंग शायद कर ली होगी। फील ही नहीं हुआ है कि अभी हम लोग 4 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की लाइफ में, इन्होंने जितना भी एक्सप्लोर किया है वो सब शेयर किया। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इंस्पिरेशन मिलती है लोगों से। आज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ सोमराज जी से। इनके लाइफ की जो ट्रू स्टोरी है, ऑनेस्टी है, सिंप्लिसिटी है, जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है। और भी सफ़र बाकी है तो कहानी अभी और बाकी है। क्या बात है, कहानी और बाकी है, रास्ता बाकी है, मंजिल अभी बहुत दूर है और हम कोशिश करेंगे कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ और आप लोगों को भी उस दरबार के भी दर्शन करवाएंगे जिसका आप सबको बेसब्री से अक्सर इंतजार रहता। तो गाइस ये है पूरे कटरा नगर का व्यू रात्रि का, जगमगा रहा है ये धर्म नगरी कटरा वैष्णो देवी। वाह कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। मैं कई बार कहता हूँ ना कटरा मेरी उम्मीदों का शहर है, रियासी मेरी यादों का शहर है, दोनों ही शहर मुझे बहुत पसंद है। वाह जय माता दी, आप भी लिखिए कमेंट। जय माता दी, जय माता दी, सभी भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब? और यात्रा लगातार चल रही है मेरी माता वैष्णो देवी के दरबार, आप सभी को प्रेम भरी जय माता। एंडलेस फेथ माता वैष्णो देवी के दरबार, जय माता दी, जय माता। नहीं हाँ इसको जानता हूँ ना, मिले मेरे को। अच्छा कहाँ से है? अच्छा मेरी वीडियोस देखते हो आप? हाँ डेली यात्रा व्लॉग। आयुष भी आया है? आया आयुष भी आया। आप ऐसे ही आए करके? वाह क्या बात, ऐसे ही मतलब चल के आते हो। आपका नाम भी जानता हूँ? सोमराज शर्मा। हाँ सोमराज शर्मा बता रहे थे त्रिकुटा में। हाँ त्रिकुटा में सामने कल था आयुष भैया के साथ। अच्छा तो मेरे पड़ोस में लोग एक्सपायर हो गए थे। अच्छा मिट्टी करानी थी वो। अच्छा तब आए मैं। अच्छा वो मनोकामना में रुके हुए हैं, मैंने फोन किया था, बोले कि सुबह 8 बजे निकलेंगे। अच्छा
और ठीक माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं हर महीने करता हूँ। हर महीने ऐसे करते हो? अच्छा, मोटिवेट करने। वाह क्या बात है, लोगों को मोटिवेट करते हो। तो जो मतलब कि नौजवान लोग ना आपको देख कर ना सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। ज़रूर आना, ठीक है, मेरी शॉप पे आना। जब दर्शन करके ना त्रिकुटा जो भवन है ना उसके सामने अगली बार आऊँगा, अभी 10 दिन के बाद फिर राउंड लगा। हाँ, होटल अनुराग है ना, एग्जाम में जल्दी यात्रा कर ली, इसीलिए मैं आज नाइट स्टे फटाफट करके मैं निकलता हूँ। अच्छा, कि ये कंप्लीट कब, कितना टाइम लग जाता है आपको सुबह से? 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे मैं 6 बजे चला था। सल्यूट है आपको, सल्यूट है आपके जज्बे को और माता रानी का। जो मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसी शक्ति नहीं किसी को दे सकती है माता रानी, उसी की कृपा। तो जानते हैं पर्सनल, जब वो आते हैं तो हमारे पास जरूर कॉल करते हैं। अच्छा, मतलब फेवरेट मित्र हैं हमारे। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं यूपी से, सजानपुर से। सजानपुर से हो, हर महीने आते हो आप? हाँ, रोहित भैया और ये सब लोग पूरी टीम। हाँ रोहित, हाँ रोहित को जानता हूँ मैं। पिछले साल हमने भंडारा भी कराया था, इस बार भी है 19 को मेरा भंडारा। अच्छा है। हाँ इस बार भी भैया भी थे वही मंदिर के पास। हाँ मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास। तो कब है भंडारा? 19 को है। आप नंबर मेरे को दे सकते हैं अपना? बोलो। तो गाइज़ ये मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर मिल गए मुझे, और ये ना अलग प्रकार की ही यात्रा करते हैं। आप लोग इनकी वीडियो देखी होगी, मतलब इनकी यात्रा को देखकर ना एक अलग सा ही जुनून ना पैदा होता है। तो मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी ना इन भाई के पूरे जीवन में ना हमेशा खुशियों से गतिमान रखे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे माता रानी इन पर। और देखिए यार कितना, मतलब कि ये सुबह मतलब कि कटरा बेस कैंप से चलते हैं और लगभग 10 घंटों में ना ऐसे करके 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग। ये आ गई पहली तस्वीर माता वैष्णो देवी के दरबार की, रात्रि की। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा। जयकारा शेरा वाली साहब बोल, सांचे दरबार की जय। तो अभी मेरी यात्रा कुछ लगभग कुछ मीटर ही पेंडिंग है और जय माता दी। रात्रि की आज की यात्रा हो रही है मेरी, जय। जैसे जैसे माता रानी के दरबार की ओर कदम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो ठंड का एहसास है बहुत ज़्यादा होता रहता है। भवन में अभी भी गर्म कपड़ों की जरूरत। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। तो गाइस फाइनली अब माता रानी के दरबार पहुँच ही गए समझो। तो बहुत अच्छी यात्रा रही, रात की यात्रा थी ये आज। और जैसे जैसे भवन की ओर प्रस्थान करते गए तो ठंड का जो एहसास है वो भी होता गया। तो नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, रात के नज़ारे हैं और धीरे धीरे करके 14-15 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर लिया। जय माता दी, जय माता दी सभी भक्तों को। और बाकी आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। गाइस फाइनली माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँच ही गए, सामने आप लोग देख सकते हैं ये कुछ मिनट का रास्ता भी बचा हुआ है। बाकी श्रद्धालु आ रहे हैं माता रानी के दरबार धीरे धीरे करके, देख सकते हैं आप। माता मेरी ये जगते नूर कर दे, माता मेरी ये जगते नूर कर दे, सब रोग बीमारियां चकना चूर कर दे।